दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदूषण की शिकायत होने पर सरकारी एजेंसियों ने 48 घंटे के भीतर सक्रियता नहीं दिखाई तो प्रदूषण फैलाने वालों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। प्रदूषण के बढ़ते खतरे पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे से विस्तार से बातचीत की और बताया कि सरकार इससे निपटने के लिए और क्या क्या उपाय कर रही है। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार का कहना है कि अब कोई ढील नहीं होगी, इनफैक्ट प्रोसिक्यूशंस भी होंगे। हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन हैं, एनवायरनमेंट मिनिस्टर। सर, आपने इनफैक्ट काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए हैं, सैटेलाइट के जरिए ट्रैकिंग भी हो रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे बदलाव आया है, लेकिन कुछ अभी भी केसेस हैं पराली वगैरह जलने के, लोग पॉल्यूशन नॉर्म्स नहीं अडहियर कर रहे। क्रैकडाउन क्या करेंगे आप? देखिए, पिछले वर्ष के मुकाबले निश्चित रूप से एक पॉजिटिव परिवर्तन आ रहा है। जो पराली बर्निंग के केसेस कम रिपोर्ट हुए हैं पिछले साल के मुकाबले, अच्छे दिन जो एयर क्वालिटी की दृष्टि से होते हैं उनकी संख्या बढ़ी है पिछले 3 सालों में, लेकिन हम इससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। हमें तो अपना एक्शन करना है। जहाँ जहाँ संबंधित एजेंसीज एक्शन नहीं ले रही हैं, हेल्प नहीं कर रही हैं, कंप्लायंस नहीं कर रही हैं, हम तो उनको समीर ऐप के थ्रू पूरा का पूरा जानकारी देते हैं। अब अगर प्रोसिक्यूशन स्टेट का काम है सर, के अंदर अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनको वार्निंग देके फिर जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है वो भी जो है संबंधित एजेंसीज और सिस्टम्स का किया जाएगा, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ, लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। एयर की क्वालिटी को साफ सुथरा स्वच्छ रखने के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक है और जो भी गलत चीज़ें हो रही है उनको रेडिकेट करना ज़रूरी है। दिवाली आने वाली, थोड़ा चिंतित हैं बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि लो एमिशन क्रैकर, ग्रीन क्रैकर्स, आपने भी इनफैक्ट पिछले साल कहा था कि हम आविष्कार करेंगे। हमारे वैज्ञानिक बहुत एडवांस स्टेज में काम कर चुके हैं, बहुत जल्दी वो भी हम लोग चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। विश्व स्तर पर पोल्यूशन को बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा दिया है, WHO की कॉन्फ्रेंस होने वाली है पहली बार ग्लोबल एयर पोल्यूशन को लेके। ऑब्वियसली सिर्फ इंडिया का ही सवाल नहीं है, बाकी शहरों में भी, राज्यों में भी, देशों में भी ये प्रॉब्लम वाकई बड़ा प्रॉब्लम है। नहीं, निश्चित रूप से। ये तो देखिए, एयर पोल्यूशन इज़ ए ग्लोबल इशू एंड इट्स हार्टनिंग, इट इज़ वेरी हार्टनिंग कि सारे दुनिया के अंदर इसके ऊपर कंसर्न है। यूनेप इतना कंसर्न रहता है, यूनाइटेड नेशंस भी रोज़ आए दिन ट्वीट करता है, हम भी हर रोज़ एक ग्रीन गुड डीट के बारे में बात करते हैं, और फिर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी जो है सारे दुनिया के लोगों को मिलके जो है इसके बारे में चिंतन और चिंता कर रहा है। हमें पूरा उम्मीद है कि सब लोग मिलके जब सोचेंगे और पॉजिटिव ढंग से जो है सोसाइटी भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी तो हम बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन बता रहे थे कि ग्लोबल एफर्ट है सॉल्यूशंस ढूंढने का भी, और उनकी तरफ से एक और फिर वही एक बेसिकली संदेश था कि एक हरित दिवाली होनी चाहिए, ग्रीन दिवाली, जितना हो सके लोग क्रैकर्स जो हैं नहीं जलाएं ताकि पोल्यूशन का स्तर जो है कम रहे। लेकिन उनकी तरफ से ये भी कहा है कि जो क्रैकडाउन जो होगा, खासतौर से अब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, अब जो सरकार जो है अग्रेसिवली, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है अग्रेसिवली, यानी कि पूरी क्षमता के साथ जो लोग पोल्यूशन नहीं कंट्रोल कर पा रहे उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा। नई दिल्ली में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।